काइनेमेटिक्स का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये देखेंगे कहा गया है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आर इज इक्वल टू 15 टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप. तो ये जो है पोजीशन वेक्टर दिया गया है एक तरह से, है ना, पोजीशन वेक्टर दिया गया है किसी भी टाइम टी पर. पूछा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड. तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि जो पोजीशन है, जो पोजीशन वेक्टर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना. पोजीशन वेक्टर दिया गया है कुछ इस तरह से 4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप. तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी आएगा. वेलोसिटी जो है वो आना चाहिए डी आर बाई डी टी. तो ये देखेंगे आएगा 30 टी आई कैप और 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो ये आएगा माइनस 40 टी जे कैप. ये तो हो गया वेलोसिटी. इसके बाद हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप. अब आप देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आया है इसमें टाइम है ही नहीं, मतलब जो है ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि कांस्टेंट है. तो किसी भी टाइम पर अगर पूछा जाए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो एक ही रहेगा. तो यहां पर अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये आएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का रूट, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हालांकि इस क्वेश्चन में टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पर पूछा गया था, लेकिन चूंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसलिए टी इक्वल टू 1 सेकंड पर पूछा जाए, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर पूछा जाए तो सेम रिजल्ट आएगा, है ना. मतलब टी इक्वल टू 1 सेकंड पर भी रिजल्ट वही रहेगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो देखते हैं कि ऑप्शन जो है ए जो है ये मैच कर रहा है ना. तो ये जो है आंसर हो गया ए 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.